हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत बढ़िया होंगे निश्चित, पूरा विश्वास है। बस इसी विश्वास के साथ दोस्तों, हम आज 10th हिंदी मीडियम में फिर से एक बार चैप्टर नंबर 3, जिसके हम विधि सीख रहे थे पहले से। यस, आपको याद है, लोप यानी विलोपन की विधि। विलोपन की विधि सीखते हैं और समझते हैं। आज भी दोस्तों किताब के बाहर के सवाल है, और किताब के बाहर के ही सवाल आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे। अभी किताब के सवाल डायरेक्ट नहीं ले रहे, काफ़ी हार्ड है डायरेक्ट। पहले समझिए, यहाँ पर आपको सवाल दिया है दोस्तों, मान लीजिए 5x+2y=2, 3, 16 और 3x-y=3। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों समीकरणों को विलोपन की विधि से हल करना है। अब विलोपन की जब विधि हम दोस्तों चालू करते हैं, तो आपको फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, आज नवे सवाल है, नवा है, हमको याद होना चाहिए ax+by=c के स्वरूप में होना चाहिए। क्या ये समीकरण दोनों सही स्वरूप में हैं? हाँ, पहले एक्स वाला फिर वाई वाला बराबर करके संख्या, ओके है, एक्स वाला वाई वाला बराबर करके संख्या। जब दोनों समीकरण सही है दोस्तों, तब पहले को दे समीकरण नंबर 1, दूसरे को दे समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों क्या करना है, तो दोस्तों लोप विलोपन करना यानी गायब करना। एक्स के नीचे एक्स के आगे जो संख्या है उसके ऊपर गुणा, ऊपर एक्स के आगे जो संख्या है उसका नीचे गुणा। नीचे के समीकरण में एक्स के आगे 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 का गुणा किया। ऊपर एक्स के आगे यहाँ 5 है, इसलिए इसमें 5 का गुणा किया। गुणा चालू कर रहा हूँ दोस्तों, 3 का गुणा पूरा समीकरण से, 3×5=15x+2×6y=16×3=48। 5 का गुणा किया, 5×15x-5 का y में गुणा किया, 5y=5×15। चिन्ह हमेशा दोस्तों बदल देने हैं, हमेशा गुणा करके अंडरलाइन लगाकर नीचे जो चिन्ह दिए हैं वो सभी चिन्ह बदलने का। 15 के आगे कुछ नहीं है, प्लस समझा तो यहाँ माइनस लगाया, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाया, यहाँ कुछ नहीं चिन्ह है, प्लस समझा तो माइनस लगाया। ये 15 से 15 चले गया। अब दोस्तों याद रखिए, 5y के आगे यहाँ प्लस है, ये बहुत बोलना माइनस है, नया चिन्ह बोलना है, 15 के आगे माइनस है, ये ध्यान रखिए। ये गायब हुआ, इसे ही विलोपन कहते हैं। दोनों को जोड़ा, यहाँ पर प्लस का 6, प्लस का 5, प्लस का आ गया 11y=। क्यों प्लस का आया? क्योंकि बड़ी संख्या 6 है प्लस में, इसलिए प्लस में। 48 प्लस का, 15 माइनस का, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ, 48 में से 15 गया, कितना आ गया 33। बड़ा कौन है? 48 के 15, 48 बड़ा है प्लस से, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं। अब मुझे y चाहिए, तो ऊपर का गुणा 11/11 में ले लूं, y=33/11, 11 3 33, y=, कितना आ गया दोस्तों मेरा 3। y बराबर आ गया बड़ा, तो y का यह मूल्य या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में लिखें। समीकरण 1 में ही लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ y=3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। दोस्तों मेरे पास समीकरण 1 है बड़ा, यहाँ पर 5x+2y=16, 5 का 5, x का x, +का+, 2 का 2, y की जगह कितना लिखना है 3/16। यहाँ आ गया दोस्तों 5x+3×6=, कितना आया 16, प्लस का 6 वहाँ ले गया दोस्तों माइनस में, 5x=16-6, तो 5x=10, x चाहिए तो x बराबर, ऊपर का 5/5 में जाएगा, 10/5, 5×5=10, यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। x और y जब आ जाए अंत में लिखना भूले नहीं, x, y=2, 3। दोस्तों आपका उत्तर सही है या गलत, उसके लिए आप लॉक एंड की जो ताला चाबी का सिद्धांत था उससे भी लगा सकते हैं। और अभी दोस्तों इसी विधि को आगे बढ़ाते हुए आज दूसरा सवाल भी सीख रहे हैं हम इसी तरह का। दोस्तों मान लीजिए आपको दूसरा समीकरण दिया है, 4x-2y=16 और x-2y=1, ऐसा दिया हुआ है। अब दोस्तों ये बार थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। दोस्तों समीकरण पहले चेक करिए, विलोपन की विधि है, समीकरण सही स्वरूप में है, ax+by=c का स्वरूप है कि नहीं है? हाँ सर, पहले x वाला फिर y वाला बराबर करके संख्या, ओके समीकरण नंबर 1, दूसरे में देखा x वाला y वाला बराबर करके संख्या समीकरण नंबर 2।
अप डा विलोपन करने के लिए नीचे एक्स के आगे जो हो उसका ऊपर गुणा, ऊपर एक्स के आगे जो हो उसका नीचे गुणा। तो नीचे के एक्स के आगे तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो दोस्तों एक तो समझ ही सकते हैं, तो एक्स के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ एक का गुणा कर दिया समझ कर, ऊपर एक्स के आगे चार है इसलिए नीचे चार का गुणा किया। एक का गुणा दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे 4x माइनस 2y बराबर 16, एक का कभी गुणा नहीं होता, एक का गुणा बोले वही लिख देने का। पर यहाँ चार का गुणा है, ध्यान से, चार का x में गुणा 4x माइनस 4 दुनी 8y बराबर 4 एक कम 4। हमेशा दोस्तों गुणा करने के बाद अंडल नहीं लगा के चिन्ह बदलने हैं, यहाँ प्लस है तो लगाया माइनस, यहाँ माइनस है तो लगाया प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ लगाया माइनस, चिन्ह बदलने हैं हमेशा ये चले जाएगा। अब सोचने का, अगर ये समान चिन्ह है तो जोड़ करना है, विरुद्ध चिन्ह है तो घटाओ। बोलो दो के आगे माइनस और आठ के आगे अब क्या बोलना है, कौन सा चिन्ह है, प्लस, माइनस नहीं बोलना है। विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ, वह घटा हुआ आठ में से दो गया, कितना आया 6y। बड़ा कौन है, दो बड़ा है क्या आठ बड़ा है, आठ बड़ा है, प्लस का है, प्लस तो लिखते नहीं है, प्लस का 16 माइनस का 4, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ, 16 में से 4 गया कितना आया 12, कई का 12 प्लस का के माइनस का, दोस्तों बड़ा 16 है प्लस में प्लस का आएगा। y बराबर ऊपर का 6 नीचे लिया, 12 बट्टे 6, y बराबर 6 दुनी 12। y बराबर जो भी मूल्य आया उसे समीकरण नंबर 1 में लिख देते हैं, y बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिखे, 4x माइनस 2y बराबर 16, 4 का 4 x का x माइनस का माइनस 2 का 2 y की जगह 2 बराबर 16, 4x माइनस 2 दुनी 4 बराबर 16 आ गया, माइनस का 16 दोस्तों वहाँ गया, चिन्ह बदल गया, 4x बराबर 16 प्लस 4, 4x बराबर 16 और 4 कितना आ गया दोस्तों 20। तो यहाँ x बराबर मुझे x चाहिए तो नीचे में 4 भेजा, 4 बट्टे 20 बट्टे 4, 4 पंचे 20, x बराबर कितना आ गया बेटा 5। अंत में लिखना भूले नहीं, x कोमा y बराबर क्या आया, x का मूल्य 5, y का मूल्य कितना आया दोस्तों 2। ये ऊंधा क्रम नहीं होना चाहिए, पहले x लिखना है फिर y लिखना है बेटा। दोस्तों आज इसी तरह के दो सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, वो आपको अपने मन से दोस्तों ट्राई करने हैं, ना आए तो मुझे ज़रूर कॉल करके पूछना है या क्लास पे भी आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।